हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक एंड बॉट्स। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे बनता है। एक्चुअली मैं थोड़ा समझा देता हूं। कुछ टाइम पहले ना हमने एक शॉर्ट डाला था और उसमें हम लोगों ने क्या समझाया था कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमें इस प्रोजेक्ट को डिटेल में बना के दिखाइए कि कैसे बनेगा। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज ये वीडियो बनाई है और यहाँ पर कम्प्लीटली समझाया है कि आप किस तरीके से सारा का सारा अरेंजमेंट करेंगे ताकि आपको प्रोजेक्ट ईजिली बन पाए। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है फिर से, और इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पर एक बैटरी ली है, एक हम लोगों ने एलईडी ली है, एक बज़र हो गया, एक मोटर है, और यहाँ पर हमारे पास तीन बटन्स हैं। अब ये तीनों बटन्स क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इस बटन को दबाया तो एलईडी जल रही है, इस बटन से बज़र बज रहा है, और इस बटन से हमारा जो मोटर है वो रन कर रहा है, राइट। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कैसे बनाया, चलिए समझते हैं ध्यान से। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए है वो चाहिए ये एलईडी, ठीक है। ये नॉर्मल एक एलईडी है 5 mm की, आप कोई भी एलईडी यूज़ कर सकते हैं किसी भी कलर की। इस एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ये 1 kΩ का रेजिस्टेंस है जो कि इस एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पर लग जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये बज़र है, ये नॉर्मल एक पीजियो बज़र आता है, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा आपको 10 से 15 रुपए के आसपास। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये मोटर हो गई, और ये नॉर्मल एक डीसी मोटर है, इसको बीओ मोटर बोलते हैं, ये भी आपको मार्केट में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगी। उसके बाद ये बीओ मोटर का व्हील हो गया, तो ये व्हील आएगा, ये उसके ऊपर यहाँ पर से फिट हो जाएगा। अगली चीज़ जो है वो ये बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी, ये भी आपको करीब 15 से 20 रुपए के रेंज पे इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और आखिरी चीज़ जो है ये आपके पास एक बैटरी कैप हो गया। एक और चीज़ है यहाँ पर जो आपको चाहिए होगा वो ये इस तरह के पुश बटन्स हो गए, तो नॉर्मल पुश आप दबाओगे इसको तो पुश करोगे तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा। तो फटाफट से इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं और इसको सबको अरेंज करते हैं, देखते हैं कैसे अरेंज होता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी कनेक्शंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या हो रहा है कि ये जो बैटरी है इसकी जो पॉजिटिव वाली वायर है वो पॉजिटिव वाली वायर यहाँ पर आ रही है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पर है। तो ये जो है ना पूरी लाइन जो है ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया, स्विच से क्या होगा जो पॉजिटिव सिग्नल है वो इधर जाएगा, जब हम स्विच को दबाएंगे ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा और ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा। और जो नेगेटिव वाली वायर है वो सारे जो नेगेटिव है वो मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है एलईडी के साथ, क्योंकि 9 वोल्ट से अगर एलईडी जलाएंगे तो एलईडी हमारी ख़राब हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊँगा तो यहाँ पर जो लाइट है आप देख पा रहे होंगे, देखिए लाइट जो है लाइट जल जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर हम ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारा बज़र बज रहा है, ठीक है, और अगर हम ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो देखिए राइट, तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी हम लोगों ने क्या किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने इसका पूरा जो सर्किट डायग्राम है वो दे दिया है, आप लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, आपको पूरा सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।